हेलो दोस्तों, मैं आप और एक और नया वीडियो। आज का टॉपिक सबसे अलग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई टीवी देख रहे होते हैं, सेट टॉप बॉक्स से या केबल से, इंटरनेट से, तो आप देखिएगा हर बार अचानक एक ब्लैक स्ट्रिप आएगी जिसमें कुछ नंबर्स दिए होंगे, और ये कहीं भी, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी सेंटर में अपीयर होगी और कुछ सेकंड स्क्रीन पर रहने के बाद गायब हो जाती है। इसमें आपको कुछ डिजिट्स दिखते हैं और चले जाते हैं। कई बार सभी के मन में ख्याल आता है आखिर ये है क्या, तो मैंने कहा चलिए आज इसी पर एक वीडियो बनाता हूँ और सभी को बताता हूँ आखिर ये है क्या। दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आगे चलूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनका थैंक यू वेरी मच। नए व्यूअर्स के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि इस नंबर से आपके घर तक पहुंचा जा सकता है? और अगर कभी आप ये रिकॉर्ड करना चाहें, कुछ लोगों की आदत होती है कि इसको मोबाइल से रिकॉर्ड करके राइट लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देते हैं, तो दरअसल आप कानून के दायरे में आ जाते हैं। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल अगली बार आप जब भी प्रोग्राम देखिएगा तो अपने दोस्तों के टच में रहिएगा और उनसे ये पूछिएगा कि मैं ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप भी यही प्रोग्राम देखिए। और जब वो नंबर फ्लैश हो तो आप उनसे पूछिएगा कौन सा नंबर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि ये नंबर हर सेट टॉप बॉक्स पे अलग होता है, तो आपका नंबर मैच नहीं करेगा ये। और अलग अलग नंबर की वजह से सर्विस प्रोवाइडर आपके घर तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी यूनिक होती है। इससे मालूम पड़ जाता है किस घर में ये प्रोग्राम देखा जाता है, और अगर आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट के चक्कर में आ जाएंगे और साथ ही साथ कानून की गिरफ्त में भी आ जाएंगे। सरकार आप तक पहुंच सकती है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है। अगली बार जब भी देखिएगा ध्यान दीजिएगा। और ख़ास तौर से हर सेट टॉप बॉक्स का नंबर अलग होता है, हर प्रोग्राम का नंबर अलग होता है और हर चैनल का नंबर अलग होता है। आपको कानून के दायरे से बचना है तो इस नंबर पे ध्यान दीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए इस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या जानना बहुत ज़रूरी है। हर बार आता है अलग प्रोग्राम में अलग अलग नंबर, अलग चैनल की नंबर भी अलग होती है जैसा मैंने बताया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का छोटा सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली बार आप प्रोग्राम देखेंगे तो इस वीडियो का ध्यान जरूर रखेंगे और ध्यान देंगे कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है और किस वजह से अपीयर हो रहा है। तो पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अंत तक देख लिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।